मैं डॉक्टर दीपक गोयल, एडिशनल डायरेक्टर पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड पीडियाट्रिक हेपेटोलॉजी, फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड जो भी पीडियाट्रिक गैस्ट्रो की प्रॉब्लम्स होती हैं या पीडियाट्रोलॉजी या लिवर की प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सब के लिए मैं यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। हमारे पास बच्चों के जो भी गैस्ट्रो, लिवर और पैंक्रियास से रिलेटेड बर्थ से लेके 18 इयर्स तक जो भी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या क्रॉनिक गैस्ट्रो डिजीज़ेस, उन सब के लिए सारी फैसिलिटीज़ और एंडोस्कोपीज़ और रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, सारा फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस इन चिल्ड्रन, जिसको हम एक्यूट डायरिया भी बोलते हैं। इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है और अंडर 5 एज ग्रुप के जो चिल्ड्रन हैं उसमें एक्यूट डायरिया यानी कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस और एक्यूट निमोनिया, ये दो डिजीज़ेस काफ़ी मोर्टेलिटी को कंट्रीब्यूट करती हैं। सो इंडियन पर्सपेक्टिव से नॉर्मली एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस या फिर एक्यूट डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है और स्पेसिफिकली समर मंथ्स में फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर इसका इंसिडेंस बच्चों में और भी ज़्यादा देखा जाता है। हम एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस एक टेक्निकल टर्म है, एक्यूट डायरिया हम उसको सिंपल लेमैन टर्म्स में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जाने कि क्या कारण होता है एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस का। एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस ज़्यादातर 95% से ज़्यादातर केसेस में इन्फेक्शन की वजह से होती है। इन्फेक्शंस कई तरीके से हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासिटिक इन्फेक्शंस। ज़्यादातर जो एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस के केसेस हैं वो वायरल इन ओरिजिन होते हैं। ज़्यादातर जो कॉमन वायरसेस हैं जैसे कि नॉर्वॉक वायरस, रोटा वायरस और रिलेटेड वायरस होते हैं, वो हमारे बॉडी में किसी तरीके से माउथ के ज़रिए एंटर करते हैं फूड या वाटर से, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से, और अंदर जाके डायरिया करते हैं। कई बार बैक्टीरिया जैसे कि ईकोलाई, सालमोनेला और शिगेला, जो कि ज़्यादातर कॉमन बैक्टीरिया हैं, ये भी हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस कर सकते हैं। रेयरली पैरासिटिक इन्फेक्शंस लाइक एमीबियासिस और जीआरडीएसिस भी एक्यूट डायरिया के रूप में बच्चों में प्रेजेंट करते हैं ज़्यादातर, बट वायरसेस और बैक्टीरिया ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जानना हमारे लिए एज अ पेरेंट और एज अ डॉक्टर हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादातर जो केसेस ऑफ एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस वायरल होते हैं। मैंने बताया वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस में बच्चा ओवरऑल उनको लूज स्टूल होगा, वाटरी स्टूल होगा, लेकिन देखने में बच्चा ठीक रहेगा, उनका जनरल कंडीशन ठीक होगी, उनको कोई सिग्निफिकेंट फीवर नहीं होगा, बहुत ही हल्का सा 99.5 या 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का फीवर होगा, ज़्यादा फीवर नहीं होगा बच्चे को और इन जनरल कंडीशन बच्चे की ठीक होगी। उनके स्टूल्स वाटरी होंगे जो कि फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकती है, दिन में 3-4 स्टूल से लेके 15-20 स्टूल्स तक भी दिन में बच्चा पास कर सकता है। स्टूल्स जनरली सिर्फ वाटरी होंगे, उसमें ब्लड का कंपोनेंट नहीं होगा। तो ये चीज़ें सारी वायरल गैस्ट्रोएंटराइटिस की तरफ इंडिकेट करती है। अगर बच्चे का जनरल कंडीशन थोड़ा सा ज़्यादा सिक लगता है और बच्चा एग्जॉस्टेड लगता है और उनको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है या बच्चा मेल नरिश्ड है और या फिर उनके स्टूल में ब्लड आ रहा है, तो ये जो पॉइंटर्स हैं ये बैक्टीरियल गैस्ट्रोएंटराइटिस की तरफ इंडिकेट करती हैं। इनका डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा ज़रूरी होता है, वो मैनेजमेंट में हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। अब जो कॉमन सिम्टम है, जब भी बच्चे को एक्यूट गैस्ट्रोएंटराइटिस होगा तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आएंगे वो लूज मोशन होंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी हमने डिस्कस की कि वेरी कर सकती है। लूज मोशंस में बच्चा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि सोडियम और पोटेशियम काफ़ी लूज़ करता है बॉडी से, तो ये एक चिंताजनक बात होती है। और इसके अलावा बच्चे को माइल्ड ग्रेड फीवर हो सकता है अगर वायरल है, हमने डिस्कस किया, और अगर हाई ग्रेड है तो जनरली बैक्टीरियल की तरफ इंडिकेट करते हैं। और इसके अलावा बच्चे की जनरल कंडीशन हो सकता है बच्चा कंफर्टेबल हो और सिर्फ लूज स्टूल कर रहा हो, या हो सकता है कि बच्चा एग्जॉस्टेड हो और डिहाइड्रेटेड हो, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे का जनरल कंडीशन भी वेरी कर सकता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो लूज मोशन होगा और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायरिया का कॉम्प्लिकेशन है जो कि कई बार सिम्टम के रूप में प्रेजेंट करता है वो है डिहाइड्रेशन। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन एक्यूट डायरिया का है वो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब बॉडी में वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिशिएंसी, उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। सो जब भी ऑब्वियसली जब बच्चा जितना इंटेक ले रहा है अगर उससे ज़्यादा वाटर लूज़ कर रहा है और इलेक्ट्रोलाइट्स लूज़ कर रहा है बॉडी से तो उसको ही इज़ एट रिस्क फॉर डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन अगर डिहाइड्रेशन को देखने के लिए पेरेंट्स भी सिंपल कुछ चीज़ों को देख सकते हैं। फर्स्ट है कि अगर बच्चा ओवरऑल जनरल कंडीशन उसकी ठीक है, एग्जॉस्टेड नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा उसको प्यास नहीं लग रही और उसकी आइज़ संकन नहीं है, अंदर धंसी हुई नहीं है और आइज़ देखने में ठीक लग रही हैं, और आप मुंह खोल के उसका टंग का म्यूकोज़ा चेक कर सकते हैं। अगर उनका टंग वेट है और बच्चा अगर चार छः घंटे से यूरिन पास कर रहा है तो ये जनरली जो पॉइंटर्स हैं कि बच्चा डिहाइड्रेटेड नहीं है। और ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर बच्चा एग्जॉस्टेड लग रहा है या बहुत ज़्यादा उसको प्यास लग रही है बारी बारी, या उसकी आइज़ थोड़ी अंदर धंसी हुई लग रही है, आइज़ संकन है और उनकी टंग ड्राई है तो, और बच्चा एग्जॉस्टेड है और यूरिन कम पास कर रहा है, 7-8 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और यूरिन कम पास कर रहा है, तो ये सारे डिहाइड्रेशन के पॉइंटर्स हैं। ये पॉइंट करते हैं कि बच्चे डिहाइड्रेटेड है। तो जब भी हम बच्चा डायरिया, अगर आपके घर में बच्चे को किसी को डायरिया है और डायरिया स्टार्ट होता है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने पीडियाट्रिशियन से आप संपर्क करें। और दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डायरिया के मैनेजमेंट में। फर्स्ट है ORS जिसे कि हम ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन भी कहते हैं, और सेकंड है ओरल जिंक थेरेपी, और थर्ड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रिशन। तो हम तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैनेजमेंट का मेडिसिन है डायरिया में, दैट इज़ ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एक रेडीमेड पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है, मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। थ्रू आउट द इंडिया कोई सिटी या कोई गांव ऐसा नहीं है जहां ORS अवेलेबल नहीं है, और आजकल रेडीमेड प्री फॉर्म्ड ORS भी लिक्विड फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास पाउडर्ड ORS है तो उसमें इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है कि आपको कितने वाटर में डिज़ोल्व करना है। जनरली मार्केट में दो तरह के पाउडर्स आते हैं, एक स्मॉल क्वांटिटी वाला और एक बिग क्वांटिटी। स्मॉल वाला जनरली आपको 200 ml में डिज़ोल्व करना है और बिग वाला आपको 1 लीटर में डिज़ोल्व करना है, बट फिर भी आप पैक के पीछे उसको पढ़ के कंफर्म कर लें। ORS बनाते वक्त आप ये ध्यान रखें कि आपको राइट अमाउंट में और राइट मात्रा में ही पानी लेना है, अंदाजे से आपको उसको मिक्स नहीं करना है, क्योंकि ये एक तरीके की मेडिसिन है। अगर आप उसको अंदाजे से मिक्स करते हैं तो आपकी बॉडी में सोडियम या पोटेशियम डिस्टर्बेंसेस होने की काफ़ी चांसेस हैं, जो कि कई केसेस में आगे जाके प्रॉब्लम कर सकती है। सो जब भी बच्चे को डायरिया स्टार्ट हो तब एज ए पेरेंट आपको सिर्फ उसको ORS स्टार्ट कर देना है जब तक आप डॉक्टर से संपर्क करें। रफली रूल ऑफ थम ये कि बच्चा जितना भी अमाउंट ऑफ स्टूल पास कर रहा है, जैसे सपोज हम 10 kg एग्जाम्पल लें, अगर 10 किलो का बच्चा ऑन एन एवरेज 50 से 70 या 75 ml की स्टूल पास करता है एक बार लूज स्टूल में, तो डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ स्टूल आप उसको उतना ही ORS नेक्स्ट 15 से 20 मिनट में या 25-30 मिनट में उसको रिप्लेस करने की कोशिश करें। अगर छोटा स्टूल कर रहा है तो उसको आप अप्रॉक्सीमेटली 50 ml दे दें, और अगर थोड़ा बड़ा स्टूल है तो अप्रॉक्सीमेटली 75 ml दे दें। सो अगर आप राइट टाइम पे ORS स्टार्ट कर देते हैं बच्चे को डायरिया ऑनसेट पे, तो आप 80-90% केसेस में आप डिहाइड्रेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, और 90% चांस है कि आप उसका हॉस्पिटल एडमिशन प्रिवेंट कर पाएंगे और बच्चे को कोई सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी नहीं होगी। तो राइट मात्रा में आप ढंग से ORS बनाएं और उसको एक तरह से मेडिसिन की तरह से उसको लें, और आप उसको जैसे ही डायरिया स्टार्ट हो आप ORS स्टार्ट कर दें। कई बार आपने ORS स्टार्ट किया और बच्चे ने वॉमिटिंग स्टार्ट कर दी है, तो अगर वॉमिट करता है बच्चा तो आप उसको ORS स्लो अमाउंट में, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में धीरे धीरे दे सकते हैं। स्पून से, अगर छोटा बच्चा है तो स्पून से, और थोड़ा बड़ा बच्चा है तो कप से दे सकते हैं। तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट अमाउंट में दे सकते हैं। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैनेजमेंट में वो है ओरल जिंक। तो WHO और IAP जो इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स हैं, उन्होंने ओरल जिंक को बिल्कुल मान्यता दे दी है एक्यूट डायरिया के केसेस में। तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से या डॉक्टर से संपर्क करके जब भी बच्चे को डायरिया हो तो ओरल जिंक स्टार्ट कर दें। छोटे बच्चे को हम जनरली 10 मिलीग्राम पर डे तक देते हैं और बड़े बच्चों में हम जनरली 20 मिलीग्राम पर डे जिंक देते हैं ओरल। काफ़ी सारी जिंक की प्रिपरेशंस आती हैं और मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। जिंक का बेनिफिट ये होता है कि इंटेस्टाइन की इम्यूनिटी और रेस्पिरेटरी दोनों इम्यूनिटी को जिंक स्ट्रॉन्ग करता है और फर्दर एपिसोड्स ऑफ डायरिया को प्रिवेंट करता है। तो एक बार आपने जिंक का 14 डेज का कोर्स दिया है तो बच्चे को 3 महीने तक, नेक्स्ट 3 मंथ्स तक वो डायरिया से फ्यूचर एपिसोड्स को प्रिवेंट करेगा। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन से रिलेटेड पेरेंट्स में और काफ़ी सारे डॉक्टर्स में और स्पेसिफिकली पेरीफ्रीज में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। कभी भी एक्यूट डायरिया में अगर डायरिया को स्टार्ट हुए 1-2 दिन या 2-4 दिन ही हुए हैं तो हमें न्यूट्रिशन को नहीं रोकना है। एज एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन कहते हैं कि बच्चा डायरिया स्टार्ट होने से पहले जो भी उसका एज था उसके अकॉर्डिंग वो जो भी न्यूट्रिशन ले रहा था, अगर लेस देन 1 ईयर बच्चा है तो वो मिल्क बेस्ड न्यूट्रिशन ले रहा होगा, अगर 1 to 5 ईयर्स का बच्चा है तो वो एक मिक्स्ड फीड ले रहा होगा, मिल्क एंड कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स, अनाज वगैरह, और अगर मोर देन 5 ईयर्स का है तो वो अपने एज के अकॉर्डिंग अनाज और फल फ्रूट्स वगैरह ले रहा है। तो अपना एज के अकॉर्डिंग आप बच्चे को एज अप्रोप्रिएट फीड्स कंटिन्यू रखें। आपको फीड्स को स्टॉप करने की या फीड्स को कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बारे लोगों में धारणा है कि जब डायरिया हो गया है तो फीडिंग कम कर दें, उससे डायरिया जल्दी रुक जाएगा। ऐसा बिल्कुल गलत है। डायरिया में आपको फीड बंद नहीं करना है। इनफैक्ट बच्चे को एक्यूट डायरियल एपिसोड में फीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, न्यूट्रिशन और कैलोरीज की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो आपको फीडिंग कंटिन्यू करनी है जो भी एज अप्रोप्रिएट फीडिंग है। सेकंड है मिल्क से रिलेटेड एक धारणा है कि जैसे ही एक्यूट डायरिया हो मिल्क स्टॉप कर दें। ये भी बिल्कुल गलत है। मिल्क आपको स्टॉप नहीं करना है। बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में जब डायरिया 10 दिन से ज़्यादा चलता है या 14 दिन से ज़्यादा चलता है तब एज अ डॉक्टर हम डिसीजन लेते हैं कि उसका मिल्क कम करना है। अदरवाइज़ 2-4 या 5-7 दिन के डायरिया में हमें सडनली मिल्क स्टॉप नहीं करना है। मिल्क इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन इन किड्स और स्पेसिफिकली जो यंगर किड्स हैं लेस देन 2 ईयर्स उसमें मिल्क काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कंट्रीब्यूटर है कैलोरीज और प्रोटीन का। तो अगर आप डायरियल एपिसोड्स में मिल्क स्टॉप कर देंगे सो वो बच्चे के लिए इट विल नॉट बी गुड, इनफैक्ट इट कैन बी डेट्रीमेंटल। तो वो अननेसेसरली मेल न्यूट्रिशन को प्रीडिस्पोज करता है। सो उसके अलावा आप ऑलमोस्ट सब कुछ दे सकते हैं बच्चे को, बनाना, कर्ड, एवरीथिंग। थोड़ा सा एक्सेस शुगरी ड्रिंक्स हम अवॉइड करते हैं एक्यूट डायरिया में, जैसे कि ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट जूसेस हम मना करते हैं क्योंकि वो डायरिया को और बढ़ा सकता है। उसके अलावा एज सच खाने पीने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, अनाज, किसी चीज़ का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ ORS, सेकेंड इज़ जिंक एंड थर्ड इज़ न्यूट्रिशन। ये 3 चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और चौथा चीज़ होता है कि हम बच्चे पे थोड़ी नज़र रखें। अगर आप डॉक्टर से OPD में दिखाकर मिल भी आए हैं और डॉक्टर ने आपको ये तीनों चीज़ें एडवाइस कर दी है तो नेक्स्ट 1-2 दिन में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बच्चा का स्टूल आउटपुट कितना है। अगर बच्चे का स्टूल आउटपुट बहुत ज़्यादा है, एवरी आवर वो स्टूल पास कर रहा है और आपको लग रहा है कि उसमें डिहाइड्रेशन के मुझे डाउट लग रहा है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से जल्दी संपर्क करें। एक डेंजर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन आप थोड़ा सा हल्का, जैसा हमने डिस्कस किया है, उसको थोड़ा वॉच रखें। और जब भी आपको लगता है कि बच्चे में डेंजर साइंस आ रहे हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन के साइंस, जैसे कि सुस्त होना, ढंग से पानी या ना लिक्विड्स ना पीना, और या हाई ग्रेड फीवर या स्टूल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है और बच्चा ढंग से यूरिन पास नहीं कर रहा है, डल हो रहा है, आई संकन हो रही है बच्चे की, तो ये सारे डेंजर साइंस हैं। या बच्चे को फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग हो रही है, जो भी आप ORS उसको दे रहे हैं वो उसको वापस निकाल रहा है वॉमिटिंग से, तो ये सारे डेंजर साइंस होते हैं। इस तरह के साइंस आपको कभी भी लगता है तो आप अपने नियर बाय डॉक्टर से फटाफट संपर्क करें। अब लास्टली प्रिवेंशन है कि हम डायरिया को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। डायरिया जैसे हमने डिस्कस किया है मोस्टली इन्फेक्शस होता है और आपके खाने या तो ख़राब खाने या पीने से या कहीं बाहर का खुला वगैरह खाने से जहाँ आप श्योर नहीं है हाइजीन का, तो जनरली उससे आपके बॉडी में बैक्टीरिया या वायरस एंटर करते हैं। तो आपको हमेशा फूड एंड वाटर हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। जो भी फूड घर में बन रहा है वो बनाने वाला उसको ढंग से बनाए, हैंड वॉश करे, और बच्चे को फूड सर्व करने से पहले हम ये देखें कि बच्चा हैंड वॉश कर रहा है। और जो भी फूड बन रहा है वो हम ध्यान रखें कि फूड ख़राब तो नहीं है या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ख़राब तो नहीं है। जैसे अभी समर मंथ्स में स्पेसिफिकली बहुत हाई चांस होता है कि आपने बाहर छोड़ दिया फ्रिज से बाहर खाने को ज़्यादा लंबे समय के लिए, तो चांसेस हैं कि उसमें बैक्टीरियल या वायरल कंटेमिनेशन हो सकता है। तो कोशिश करें स्पेसिफिकली समर मंथ्स में ज़्यादा अलर्ट रहें कि जो भी आप फूड या ड्रिंक बच्चे को दे रहे हैं मेक श्योर कि वो हाइजीनेटेड हो और इन्फेक्टेड ना हो। अगर आपको डाउट लगता है तो आप उसको बच्चे को सर्व ना करें। कभी आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं तो स्पेसिफिकली काफ़ी ख्याल रखिए कि कोई भी अनकुक्ड या रॉ खाना कोशिश करके आप ना कंज्यूम करें और कुक्ड फूड ही कंज्यूम करें। और जहाँ पे आपको श्योरिटी है कि खाना हाइजीनिक होगा या वाटर हाइजीनिक होगा वहीं से दें। कोशिश करें कि जब भी बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो बॉटल्ड वाटर लें या RO वाटर ही कंज्यूम करें। ओपन वाटर या उस तरह के सोर्सेज जब डाउट हों तो आप कंज्यूम ना करें। जो भी एप्रोप्रिएट वैक्सीन्स हैं बच्चों के वो आप उनको लगाएं, मीजल्स वैक्सीन या इफ़ नीडेड कॉलेरा वैक्सीन, या तो इस तरह के वैक्सीन्स लगाने से, रोटा वायरस वैक्सीन लगाने से भी डायरियल एपिसोड्स के इंसिडेंट्स काफ़ी कम हो जाते हैं। और थोड़ा सा अलर्ट रहें बच्चों के लिए, और फूड एंड वाटर और न्यूट्रिशन उनका मेंटेन रखें। कोशिश करें कि मैलनरिश्ड ना होने पाए बच्चा, एज अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन उनको दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या जब भी आप कभी वीडियो बाद में भी देखते हैं आपको कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप अपना कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम उन क्वेश्चंस के आंसर आपको दे देंगे। कुछ क्वेश्चंस अभी हमारे पास आए हैं ड्यूरिंग लाइव। मिस्टर केशव ने लिखा है कि उनके बच्चे को स्टूल्स होती हैं लेकिन वो काफ़ी हार्ड है, तो हम अभी हार्ड स्टूल्स जनरली कॉन्स्टिपेशन हम बोलते हैं, हार्ड स्टूल्स जनरली हम कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो अभी हम डायरिया डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं कमेंट्स में हार्ड स्टूल के बारे में आपको सॉल्यूशन उसका बता दूंगा कि क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और कुछ कुछ हमारे पास कमेंट्स आए हैं लेकिन वो डायरिया से रिलेटेड नहीं है, तो मैं कमेंट्स सेक्शन में उनके आंसर्स दे दूंगा। बट किसी को भी अगर डायरिया से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो या कुछ भी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं और हम उसका आंसर राइट टाइम पे दे देंगे। थैंक यू।